इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। वैगनर चीफ ने बहुत बड़ा दावा किया है, सेना मुख्यालय पर कब्जे का दावा किया हुआ है। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस की सेना पर बड़े हमले का आरोप लगा दिया है। येवगेनी ने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप के कैंप पर रूस की फौज ने मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया, जिसमें वैगनर ग्रुप के कई कमांडर मारे गए। बताया गया कि इस हमले के बाद वहां धमाका हो गया। जो वीडियो इस वक्त आपको आप दिखा रहे हैं, यही वैगनर ग्रुप के चीफ की तरफ से जारी किया गया है। येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस की सेना पर बहुत बड़े हमले का आरोप लगा दिया है। इस वीडियो के जरिए येवगेनी ने ये वीडियो जारी करते हुए कहा कि वैगनर ग्रुप के कैंप पर रूस की फौज ने मिसाइल से हमला करके उसे तबाह कर दिया, जिसमें वैगनर ग्रुप के कई कमांडर मारे गए। बताया गया कि हमले के बाद वहां धमाका हो गया। तो रूस यूक्रेन युद्ध काफी समय से चल रहा है। अब वैगनर चीफ के बाद जो ये दावा किया गया है कि किस तरीके से वहां पर धमाका होता है, सेना मुख्यालय पर कब्जे का दावा भी किया गया है। जनक दवे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, ये बहुत बड़ी खबर है और वैगनर ग्रुप के चीफ ये दावा कर रहे हैं, येवगेनी प्रिगोजिन। वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें मिसाइल हमले का आरोप रूस पर लगाया गया है। देखिए, अब तो खतरा पुतिन और खासतौर पर क्रेमलिन पर लगना है, कि क्रेमलिन में जो अभी खबरें आ रही है कि वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां देखने को मिल रही है। अभी का अपडेट ये है, जसप्रीत, आपको बताऊं कि जो रोस्तोव शहर है वहां पर टैंक्स घूम रही है। जो अलगाववादी ग्रुप जो वैगनर, वो दरअसल एक समय यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था, मिलिशिया ग्रुप जिसे कहें हम, पुतिन को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन डॉनबास में जब युद्ध चल रहा था तब रूस की ओर से मिसाइल दागी गई और जिससे बहुत खाना खराबी हुई थी। वैगनर ग्रुप को अपने कई कमांडर उसमें गंवाने पड़े थे और उसके बाद इसके जो चीफ है प्रिगोजिन, उन्होंने ये कसम खाई थी कि हम अब रूस को मॉस्को की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद ये स्थितियाँ पूरी बदली हैं। और अब देखिए, अब इन फाइटिंग अलगाववादी ग्रुप अब तक लुगांस्क और डोनेट्स में थे, उनको ये मदद करते थे, लेकिन अब यही वैगनर ग्रुप है वो अब अलगाववादी ग्रुप से अलग होकर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और रोस्तोव शहर की जो तस्वीर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जो टैंक्स है वो सड़कों पर देखी जा रही है, वहाँ पर जो सेना के जो उनकी जो वैगनर मिलिशिया ग्रुप के जो जवान हैं वो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ रोस्तोव शहर की ओर जा रहे हैं, मॉस्को की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई चौकियां हैं वो जो उन्होंने अपने हाथ में कब्जे कर लिए। दो रूसी हेलीकॉप्टर थे उनको मार गिराया गया। तो एक बड़ा डेवलपमेंट, एक और रूस और यूक्रेन की जंग को देखा जा रहा था। रूस के भीतर ही, चाहे अलगाववादी ग्रुप की ओर से समर्थन क्यों ना हो, ये वैगनर ग्रुप का इस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ सीधे मोर्चे पर आना, ये एक बड़ी बात हो चुकी है। और अब ये जो जंग है वो एक दूसरे छोर पर खड़ी होती नजर आ रही है। और पूरी तरीके से वैगनर ग्रुप के चीफ ने आज जो कई जो टेलीविजन है उसको जो नेट पर हैक करके उनका जो भाषण है वो वीडियो प्ले आउट किया गया कि हम मॉस्को की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट, तो जनक, इसको इस तरीके से देखा जाए कि पहले रूस अपनों से ही निपट ले, जो अभी तक यूक्रेन के खिलाफ थे अब वो रूस के खिलाफ हो गए हैं, उसके बाद ही तो यूक्रेन से मुकाबला किया जाएगा। जसप्रीत, बिल्कुल, ये एक बहुत चिंता का विषय प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होगा, क्योंकि अब तक सब लोग मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब विद इन द फोर्स, मतलब आपकी सीमा के भीतर ही जो जवान एक अलगाववादी ग्रुप के तौर पर काम कर रहे थे, एक मिलिशियट ग्रुप के तौर पर काम कर रहे थे, वही ग्रुप ने अब रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है, उसी ग्रुप ने प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो जो क्रेमलिन के जो सुरक्षा घेरा है वो मजबूत कर दिया है, वहां पर मॉस्को के भीतर वहां पर आप देखिए जो जानकारी आ रही है उसके बाद वहां पर भी बख्तरबंद गाड़ियां अभी से रोक रही हूँ। दरअसल जो ये पुतिन की प्राइवेट आर्मी, इसे वैगनर ग्रुप को कहा जाता था, इसने विद्रोह किया है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, वही बात बता रहा हूँ कि जब डॉनबास के भीतर जब प्रिगोजिन ये जो वैगनर ग्रुप का एक बड़ा कुनबा जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था और जो मिसाइल रूस की ओर से छोड़ी गई और वो मिसाइल पर सीधा हमला, यानी इनका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था वैगनर ग्रुप का, उस पर निशाना आया और वहां पर लोग मारे गए। तो प्रिगोजिन जो चीफ हैं वैगनर के, उनका ये कहना है कि जानबूझकर रूस की ओर से किया गया है और रूस को अब हम ये, यानी रूस प्रेसिडेंट पुतिन की ओर से किया गया है और अब उसका हम जवाब देंगे। यानी अपनों को जब उन्होंने खोया तब उनको लगा कि हमारे जो जवान जो एक समय प्रेसिडेंट पुतिन के लिए लड़ रहे थे, प्रेसिडेंट पुतिन की सेना के लिए लड़ रहे थे, उनके खिलाफ ही अब मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया, अपने को जवान को खोए, अपने कमांडर को खोए हैं। और वो गुस्सा उनका जिस तरीके से दिख रहा है, आप वहाँ के रशियन टेलीविजन टेलीग्राम चैनल्स पे देखें या टेलीविजन चैनल्स पर जो वीडियो उनके देखें प्रिगोजिन के, तो उसमें वो दावा कर रहे हैं
है कि अब हम ये छोड़ेंगे नहीं, अब सीधे आर पार की लड़ाई है और अब जंग आप रूस और यूक्रेन की सेना पर के साथ वहां पर तो सीमा पर हो रही है, लेकिन अब सीमा के भीतर पहले ही अलगाववादी ग्रुप डोनेस्क और लुगांस्क में तो लड़ ही रहे थे, लेकिन अब वैगनर ग्रुप का वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ। ठीक है जनक, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वैगनर ग्रुप के सैनिक दरअसल रूस के सेना मुख्यालय पर अब कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं और वैगनर चीफ ने जो वीडियो जारी किया है, तो क्या हम इसको इस तरीके से देखें? आगे हम चर्चा करेंगे कि पुतिन अब जंग हारने के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि अभी तक हम देखें कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उसमें ना तो रूस रुक रहा था और ना ही यूक्रेन झुक रहा था, लेकिन अब जो अपने ग्रुप है जो कभी रूस के साथ खड़े थे और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे, अब वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हो गए हैं और तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं।